समुद्री जीवन अपने आप में एक अलग दुनिया है, खूबसूरत और रंगीन। ये दुनिया हमारी दुनिया से अलग तो है, लेकिन उतनी ही दिलचस्प भी है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंद महासागर के तटों और तटीय जल को उनकी जैविक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? हिंद महासागर 3 महाद्वीपों के तटीय जल से बना और कई विदेशी द्वीपों को घेरे हुए है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। हिंद महासागर में बहने वाली कुछ बड़ी नदियों में सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि शामिल हैं। इसमें समुद्री वन्य जीवों की एक अविश्वसनीय विविधता पाई जाती है। इसके सबसे विविध प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ, मैंग्रोव जंगलों, रेत के टीलों और समुद्री घास के साथ यह क्षेत्र समुद्री जीवन को बेहतर ढंग से जानने का एक उचित स्रोत है, क्योंकि ये समुद्री जीवों की व्यापक विविधता का केंद्र है और समुद्री जीवन में रुचि रखने वाले लोगों को प्रायः अपनी ओर आकर्षित करता है। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री प्रजातियों की अनुमानित संख्या 11,000 से 20,000 या इससे अधिक भी हो सकती है। 2010 में की गई विश्व के समुद्री जीवन की जनगणना के अनुसार समुद्री जीवों की लगभग 2,50,000 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री स्तनपाई जीवों की 34 प्रजातियां, विशेष रूप से डगोंग, वेल और डॉल्फिन की कुछ प्रजातियां, शार्क की 50 प्रजातियां, रे की 30 प्रजातियां, मछलियों की 2,200 प्रजातियां, जो कि दुनिया की प्रवाल भित्ति मछलियों की प्रजातियों का लगभग 75% है। कछुओं की 5 प्रजातियां, समुद्री खीरे की 140 प्रजातियां आदि पाए जाते हैं। हिंद महासागर में पाई जाने वाली ऐसी ही एक और कमाल के शिकारी है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। जेलीफिश की तरह दिखने वाली ये असल में एक साइफोनोफोरस है। ये कॉलोनी में रहती है। यह एक दूसरे पर आश्रित समुद्री प्राणियों का समूह होता है जो अपना शिकार भी झुंड में करता है। शिकार करने का कार्य सबसे नीचे मौजूद प्राणी का होता है। इसकी जहरीली धागे नुमा संरचनाओं के फंदे में छोटी मछलियां आसानी से फंस जाती हैं और इस तरह झुंड में ये अपने शिकार पर धावा बोलते हैं। यही नहीं, हिंद महासागर में 2016 में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर के नीचे जल तापीय छंदों पर 6 नई प्रजातियों की पहचान की। ये नई प्रजातियां हैं हाफ केकड़ा, विशाल पेल्टोस्पिरिट घोंगे, विल्क समान घोंगे, लिम्पिट स्केलवर्म और पॉलिकाइट कीड़े। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय समूह द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार 1980 के बाद से हिंद महासागर में डॉल्फिन की आबादी लगभग
90% तक घट गई है। इसका कारण मछली उद्योग और विशाल गिलनेटों के अत्यधिक उपयोग को माना जा रहा है। हिंद महासागर से डॉल्फिन की घटती संख्या चिंता का विषय है। समुद्री जीवन अपने आप में एक रहस्यमय दुनिया है जिसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं पर बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा शोध चलते ही रहते हैं और समय समय पर ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। आइए ऐसे ही कुछ और तथ्य जानते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर को युवा महासागर माना जाता है जिसने मात्र 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। इसका आकार इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र बनाता है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 5वां हिस्सा कवर करता है। यदि बात करें सबसे गहरे बिंदु की तो वह सुंडा द्वीप है जो जावा इंडोनेशिया के दक्षिणी भाग के पास जावा ट्रेंच में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई 25,344 फीट है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक खोया महाद्वीप पाया है जिसके अवशेष हिंद महासागर की गहराई में मौजूद है। वैज्ञानिक अब इसे अनदेखा भूमि द्रव्यमान मॉरिटिया कह रहे हैं। हिंद महासागर वास्तव में 20 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और इसकी वजह है ध्रुवीय केप्स का पिघलना। इसकी विशालता के कारण हिंद महासागर दुनिया के जल भार में बहुत योगदान देता है। इसकी अनुमानित मात्रा 29,21,31,000 घन किलोमीटर है। दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक व्यापारिक बंदरगाह हिंद महासागर में है। इनमें दक्षिण अफ्रीका में डर्बन और रिचर्ड्स खाड़ी के बंदरगाह शामिल हैं। भारत में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न, इंडोनेशिया में जकार्ता और श्रीलंका में कोलंबो, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों से करीब 6,000 किलोमीटर नदी अपवाह है। अन्य विश्व महासागरों की तुलना में हिंद महासागर को दुनिया में सबसे गर्म महासागर के रूप में माना जाता है। वार्मिंग की इसकी दर भी उष्णकटिबंधीय महासागरों के बीच सबसे तेज है जो कि ग्रीन हाउस वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से और अधिक बढ़ गई है। हिंद महासागर के पानी में स्वयं के अद्वितीय रासायनिक गुण हैं। इसके पानी में हाइड्रोकार्बन यानी कि घुलने और तैरने दोनों की एक उच्च सांद्रता होती है और अधिकतम स्तर पर एक नकारात्मक जल संतुलन होता है।
समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा में ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा है। यहां एक ओर जहां विशालकाय व्हेल है, तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियां या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीप का वजन ही हाथी के बराबर होता है। उसी की तरह महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। समुद्री जीव पौधे कभी कभी जादुई प्रतीत होते हैं। इसके बारे में जानते हुए कई बार लगता है मानो हम धरती से अलग किसी कल्पना की दुनिया में सैर कर रहे हों। समुद्री जीवन बेहद ही रोमांचकारी विषय है और इससे जुड़े हैरतअंगेज तथ्य हर किसी को इसके बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं।